मारंदी जी देखो मेरा भाई को मार रहा है, जी देखो मारे समय, जी देखो जी सब मार रहा है, जी देखो जी, जी देखो जी सब मार रहा है, जी देखो जी, जी देखो पूरा परिवार आ गया, देखो मैं तो चल रहा है, रे तो चल, तू चल, रे तो चल, हम जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में, आपके साथ मैं जानवी। चलिए बढ़ते हैं जालौन की कुछ मुख्य खबरों की ओर। जालौन में जमीन के विवाद को लेकर पड़ोस में रहने वाले दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कदमपुरा का है। बताया गया है कि इस गांव के रहने वाले रामकिशन ने नरौल के रहने वाले दुर्गा प्रसाद से वर्षों पूर्व जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर वह मकान का निर्माण कर रहा था, लेकिन पड़ोस में रहने वाले जगमोहन पुत्र लक्ष्मण, अभिलाष, पूरन, गोलू और राधे को यह मंजूर नहीं था कि वह इस जमीन पर मकान का निर्माण करे, जिस कारण ये सभी लोग अपने घर की महिला प्रियंका खिलौनी, नीतू, रजनी, सीता श्री के साथ फाड़ा और लाठी डंडे लेकर रामकिशन के घर पर तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच गए, जहां इन लोगों ने पहले मकान की तोड़फोड़ की और जब इसका विरोध रामकिशन के लड़के गोविंद और करण ने किया तो उक्त सभी लोग फाड़ा और लाठी डंडा लेकर मारपीट करने लगे, जिसमें रामकिशन के लड़के ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, इस घटना की जानकारी मिलते ही रामपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक जेबी पाल हल्का इंचार्ज मूलचंद के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने विवाद करने वाले दूसरे पक्ष के जगमोहन पुत्र लक्ष्मण, अभिलाष, पूरन और राधे को हिरासत में ले लिया। वहीं रामकिशन के भाई प्रेम सिंह और नीरज को भी थाने ले आई। इस घटना में घायल गोविंद और करण को पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं इस मामले में रामपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल का कहना है कि जमीन का विवाद दोनों पक्षों में चला आ रहा है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी जमीन बताते हैं और न्यायालय में भी इनका वाद चल रहा है। दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही दोनों पक्षों से कागज लाने को कहा। जालौन से संवाददाता नवीन कुशवाहा की रिपोर्ट।